मम्मी को काफी मिस करेंगे एक हफ्ता। ठीक है, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। बनिया से जाना है सीमांचल एक्सप्रेस से। यहाँ पर खा रहे हैं इलाहाबादी अमरूद, है ना भाई, काफी मतलब डिलीशियस है। थोड़ा ले ले और चला ले भाई, तो यार भाई दिल्ली तकरीबन भाई हम कम से कम 10 से 15 बार गए हैं। जब भी भाई यूपी घुसता है तब बिहार का ट्रेन स्पेशली। हमको भी कंधा पे 2 लाख लगाया था, मैं चलो होगा साथ में। सबका मोबाइल नहीं पड़ जाता आज। मेरा मोबाइल भी बहुत चार्ज में लगा हुआ, देखो एक फोन लगा हुआ चार्ज में एंड्रॉइड। अरे हमको भी पता नहीं, अगर जैसे हमको भी बोलते भैया लेके भागा था, हम दौड़ते हैं। तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम निकलने वाले हैं दिल्ली। मैंने लास्ट वीडियो अपने कह दिया था कि भाई कुछ ही दिनों में हम दिल्ली जाने वाले हैं। काफी दिन से भाई टिकट में लगे हुए थे, टिकट बन ही नहीं रहा था, तो फाइनली आज का टिकट बना है और आज निकल रहे हैं फाइनली दिल्ली की तरफ। और ये रहा अपना सारा इक्विपमेंट, ये देख लो, ये कैमरा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, अगर सिनेमैटिक वगैरह लेना हो तो भाई काम आ जाएगा। फिलहाल सारा पैकिंग वैकिंग हो रहा है, ये सारा चीज अपना इक्विपमेंट, और सन्नी लगा हुआ है अपना कपड़ा निकालने में, और मम्मी काफी उदास है भाई। इतना उदास का है अम्मी? इसलिए उदास है कि मेरा बेटा लोग जा रहा है। अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, आएंगे ना, दुआ करिए अच्छे से सारा चीज हो जाए। कोई बात नहीं है, एक हफ्ते में भाई रिटर्न हो जाएंगे। बाकी वहाँ जा रहे हैं तो भाई ब्लॉग वगैरह तो शूट होना ही है। आप यहाँ से आराम से देखिएगा, वीडियो वगैरह डालेंगे ना, आप आराम से देखिएगा कि बेटा आपका क्या कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, सारा चीज आपका बेटा सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है, सारा चीज आपको सोशल मीडिया पे मिल ही जाएगा भाई, है ना। बाकी पापा भी आ गए हैं, और ये देखो भाई बनिया से जाना है सीमांचल एक्सप्रेस से, और बनिया से लौट के आना है बिल्कुल दिल्ली घूम फिर के। भाई पापा काफी फ्रैंक है मेरे, और ये सब चीज भाई ऑफ कैमरा चलता रहता है। और फिलहाल हम बता दें आपको कि दिल्ली हम क्यों जा रहे हैं। भाई 2 साल पहले मेरा एक सर्जरी हुआ था, और उसी का रूटीन चेकअप करवाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। और आप लोग यार दुआ करना है कि सब कुछ अच्छे से हो, और मुझे पता है कि भाई कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी चेकअप करवा लेते हैं, काफी दिन हो गया है। और फिलहाल भाई 6 बज गया है, 8 बजे मेरा ट्रेन है यहाँ से फॉरबिसगंज से आनंद विहार के लिए। और जो लोग दिल्ली से है भाई, दिल्ली आ रहे हैं, जो लोग मिलना चाहते हैं दिल्ली में मिलेंगे बिल्कुल। हाँ से पूरा दिल्ली जाएंगे, प्रॉपर ब्लॉग होगा। और हाँ मैं कोशिश करूंगा कि भाई दिल्ली में मैं एक हफ्ते रहने वाला हूँ, कोशिश करेंगे भाई कि कम से कम वहां से 10 दिन में 5 से 6 ब्लॉग लेके आए। आप लोग कमेंट में लिख के बताओ कि कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करें दिल्ली में, कौन कौन सा अच्छा लोकेशन है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मम्मी को तो पहले ही बोल दी है कि आप तो यहाँ बैठे बैठे आराम से ब्लॉग देखिएगा, दिक्कत वाला कोई बात नहीं है, सब कुछ पता चलता रहेगा कि क्या क्या कर रहे हैं। लाइव लोकेशन पता चलेगा, एकदम फुल ब्लॉग आएगा दिल्ली का। ठीक है। बाकी सन्नी भी तैयार हो गया है, और मम्मी ये अभी फिलहाल खाने वाने का सामान देगी। ये रहा अपना बैग, हाथ में मम्मी पैसा भी रखी है देने के लिए। भाई ये जो है ना भाई दक्षिणा होता है। ठीक है, बाकी मम्मी को काफी मिस करेंगे एक हफ्ता। ठीक है, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। बाकी कोई बात नहीं भाई, एक हफ्ते के बाद तो फिर वैसे ही आना ही है। सन्नी पूरा एकदम फुल मौज होगा भाई, दिल्ली में फुल मौज होने वाला है। बताओ गाइस कमेंट करके हम कैसा लग रहे हैं। भाई फाइनली पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पे, और ये रहा ये सोनू है, और ये सन्नी, ठीक है, कामरान, फरहान, और ये अपना भाई तो पहुंच गए। ये रहा अपना सारा बक्सा, ये देखो भाई, ये देखो छोटा सा पिद्दू सा बिल्ली है भाई। काफी सारे लोग आए मिलने के लिए। ये रहा अपना अथर, और ये भाई है, ये भाई है, ये तो अपना सोनू है, और भी काफी सारे लोग हैं। ठीक है, स्टोरी लगाकर बोले थे कि भाई देखते हैं कौन कौन आता है छोड़ने के लिए, काफी सारे लोग आए, और भी लोग आ रहा है, मतलब मैसेज कर रहा है, धीरे धीरे सबको ब्लॉग मिलेंगे। हमारे आयुष भाई देहरादून जा रहा है ना, देहरादून भाई, ये मतलब दिल्ली तक सफर में साथ रहेगा, ये देहरादून जा रहा है। नहीं, 1 साल के बाद आएंगे हम, 1 साल के बाद या एक हफ्ते में आ जाएंगे भाई, टेंशन मत लो। फॉरबिसगंज को छोड़कर भाई कहीं नहीं जाने वाले हम, फॉरबिसगंज जो है ना भाई अपना जान है ना। बाकी ये आ गया अपना ट्रेन, ये देखो भाई, भाई बाई साइड हो जाओ भैया, बिहारी बाबू गमछा वाले भैया, बिहारी अपना ट्रेन जमाने के चक्कर में, बहुत चूल है भाई, इसको बहुत हड़बड़ी है चढ़ने का भाई, पूरा एकदम अफरा तफरी मचा हुआ है, पूरा है ना, पूरा पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है, लग रहा है कि ट्रेन रुकेगा ही नहीं। बाकी ठीक है मिलते हैं ना, ठीक है सोनू बाबू, और भी कोई उतरने वाला है क्या? बस हम ही कह रहे थे।
ठीक है, दुआ में याद सबको, सभी दुआ में याद रखना भाई, है ना। फिर मिलेंगे एक हफ्ते बाद, ठीक है, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। भाई ये रहा अपना बैग और वो रहा अपना सीट, भाई ऊपर वाला एक नीचे वाला। फाइनली भाई, फाइनली फॉरबिसगंज को बाय बाय। तो भाई फाइनली बैठ गए ट्रेन में और काफी सारे लोग आए थे, काफी सारे हमारे भाई लोग आए थे छोड़ने के लिए, तो सभी को दिल से थैंक यू सो मच। काफी सारे लोग भाई प्यार करते हैं अपने से, और फिलहाल सीट अपना कंफर्म है। ठंड भी काफी है तो हम लोग ब्लैंकेट वगैरह लेकर चले हैं, ज्यादा ठंड लगेगा तो हम लोग ब्लैंकेट यूज करेंगे। अच्छा हुआ भाई मम्मी ब्लैंकेट दे दी, और अभी से ही भाई ठंड लगना स्टार्ट हो गया है। भाई मम्मी काफी इमोशनल थी, एक हफ्ता मम्मी को काफी मिस करेंगे। बस यार होप करते हैं कि सबको अच्छे से हो जाए और अच्छे अच्छे से भाई अपने घर रिटर्न हो जाए फॉरबिसगंज। बाकी दिल्ली जा रहे हैं तो भाई ब्लॉग वगैरह अच्छे से शूट होगा। आप लोग कमेंट करना कि क्या क्या चीजों को हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा लोकेशन है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में लिख के बताना, तो उन चीजों को भाई एक्सप्लोर किया जाएगा। भाई ट्रेन खुला है और ये वाला बंदा ना भाई मुर्दा बन गया तुरंत, देखो सोया है तब से, सोया ही है, मतलब ट्रेन खुला उसी वक्त सो गया ये बंदा। भाई साहब पूरा खतरनाक नींद में है ये तो। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हेलो हेलो, क्या हाल है? हेलो भाई क्या हाल है? हेलो भाई, और एक भाई और रह गया भाई। हेलो भाई, ग्रुप का सबसे सीनियर आदमी। कटियार आए और कमरान से ना मिले ऐसा होने, मतलब भाई अपना भाई है, सबका इंट्रो, सब भाई है, सब भाई है अपना। बाकी मुख्तार वो रहा भाई, इन लोगों का नाम नहीं जान रहे भाई, आपका क्या नाम है आपका? तोहिद भाई, आपसे मिले हैं हम शायद दिल्ली जाने वक्त, भाई कसम से, भाई कसम से, जब हम बीमार थे भाई, जब मेरा लास्ट 2 साल पहले सर्जरी हो रहा था, तो भाई मिल के गए थे, काफी दुबला पतला थे उस टाइम ना। और ये आप भी मिले थे क्या? नहीं, इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और मुख्तार तो भाई आता ही नहीं है, आज पहली बार आया। और सरफराज भाई है ना, कटियार गए थे। बाकी देख लो भाई, कटियार से हमारे जितने सब्सक्राइबर है देख लो, चेहरा याद कर लो ये बंदा, ठीक है भाई अपना, ठीक है। और ये देखो भाई कामरान क्या लेके आया हमारे लिए, बिरयानी लेके आया। सन्नी का डिमांड था, सन्नी का डिमांड था, बिरयानी लवर है भाई, बिरयानी लवर ये रहा भाई। बाकी भाई हमारा जब 5K सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ था, हम लोग यही स्टेशन से भाई 5K का जो गिव अवे का हम लोग अनाउंसमेंट किए थे, और 5K का वैसे विनर भी हो गया है एक लड़का। हाँ, एक लड़का जुगबनी का हुआ है, आनंद सा, और उसी स्टेशन से भाई था, बोले अरे भाई थोड़ा सा फेयर तरीके से हम करते हैं, बाबर बवाल हो जाता वीडियो में, तो फेयर तरीके से भाई गिव अवे किए हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव आकर तब जाकर भाई गिव अवे अनाउंस किए हैं। तो फिलहाल अभी आए हैं हम लोग चाय पीने के लिए, और भाई चाय तो चाहिए चाहिए सफर में, क्योंकि जो भी भाई नींद वगैरह है ना वो खत्म हो जाएगा, अभी वैसे सोएंगे नहीं, 1 बजे के बाद सोएंगे हम लोग। तो भाई ये आ गया अपना महंगा वाला, मतलब सस्ता वाला, वही भाई रेलवे का चाय कैसा मिलेगा समझ रहे हो ना, इतना घटिया भाई, ऐसा लग रहा है कि चाय पत्ती में ना गर्म पानी है, चाय पत्ती मिला दिया, क्या कहते हो सन्नी? चीनी के साथ पूरा एकदम, फिर भी भाई मजबूरी में पीना पड़ रहा है, थोड़ा सा कड़क है, मतलब चाय पत्ती गर्म है इसमें। इस बॉम मार ली, तुम्हारी बारी को था बॉम मार ली भाई, ये और ले ले, एकला चलो और ले ले भाई, टिक्का जो है ना ये ले ले, कसी अपनी तरह लगाया भाई, थोड़ा ले ले और एकला चलो, अबे भाई अरे सॉरी तो यार, मेरा भी मार लिया तू, छोड़ी चल ठीक है भाई, जा चाय वैसे बहुत महंगा था, ठीक है भाई, कटियार में फुल मौज करना है, ठीक है भाई, भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना भाई, दुआ में याद। तो भाई सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, और फिलहाल भाई रात को सो गए थे तो बिहार कब पार किया पता ही नहीं चला, और अभी कोई जगह है भदोरा करके कोई जगह है, जहाँ पर भाई मतलब क्या हो गया सनी, क्या बता रहा? ट्रेन का चक्का, मालगाड़ी का चक्का उतर गया भाई, लंबा फटका पड़ा, अब देखो क्या होता भाई, ऐसा ना हो जाए कि 2-3 घंटा इधर ही लग जाए फिर। क्या चाहिए? हाँ कितना चाहिए? 5 बस, 5 भैया, चॉकलेट है मिक्सचर है, 50 में 2 गो, 50 में 2 गो। भाई परेशान हो जाएगा, मतलब इतना सारा भाई, मतलब बेचने वाले भाई, ये लो गमछा ले लो भाई, गमछा ले लो।
और भाई यूपी गाड़ी अभी घुसा है और अपने औकात पे आ गया भाई कसम से। यूपी घुसते के साथ में ना भाई ट्रेन एकदम स्लो 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 पूरा स्लो भाई। अभी भी ट्रेन रुका भाई ये देखो भाई। और दिल्ली तकरीबन भाई हम कम से कम ना 10 से 15 बार गए हैं। जब भी भाई यूपी घुसता है ना बिहार का ट्रेन स्पेशली, तो भाई मतलब बाकी ट्रेन को पास दिया जाता है भाई और बिहार के ट्रेन को रोक दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, सही कह रहे कि नहीं? बस वैसा ही होता है भाई, वही हाल अभी हो रहा है। अभी तक में भाई 10 बार रुक चुका है, कितना बार चेन पुल हो चुका है। अब क्या ही बोले भाई, 24 घंटा से ऊपर का सफर है, देखते क्या होता है। क्या हुआ हिंदी? मेरे पास बैठा हमसे दो तीन बार टाइम वगैरह पूछा कि भैया हाँ हमको भी कंधा पे दो बार लात लगाया था, मैंने चलो होगा साथ में, फिर बैठा इधर, फिर चप्पल बना चला गया, फिर ये झट से उतर गया मोबाइल लेने। मेरा से भी टाइम पूछा। हाँ सबका मोबाइल नहीं पड़ जाता आज। मेरा मोबाइल भी बहुत चार्ज में लगा हुआ, देखो एक फोन लगा हुआ चार्ज में एंड्रॉइड। यही जगह बता, ये देख लिया। अरे हमको भी पता नहीं, ये अगर जैसे हमको भी बोलते भैया लेके भागा था, हम दौड़ते हैं, हमको भी पता, हम उतरे यहाँ से, यहाँ आके बैठा, बोला भैया टाइम क्या हुआ, छोड़ दिए बेचारा क्या है तो उसको भाई कसम से छापर मारा है भाई। अभी मोबाइल चोर घुसाता है इनका, इन भाई का मोबाइल निकाल लाता है ना यहाँ पे, यहाँ से ना भाई, ये भाई इतना झापड़ मारा है उनको, गिन के कम 20 झापड़, और हम वो वीडियो ही नहीं बना पाए कसम से। मेरा फोन भी यहाँ पे चार्ज में लगा था, बच गया फोन यार। ट्रेन खुल गया, बैठो जल्दी, अच्छा जल्दी बैठो। ये भाई है, काफी देर से भूखा लग रहा है यार। तुम नीचे का उतरते हो भाई? नीचे मत उतरा करो, ये लो ठीक है, खाओ आराम से खाओ, गेट को लगा के तब बैठो, एक खा लो फिर उसके बाद दूसरा खाना। तो भाई अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अलाहाबाद, है ना, और अलाहाबाद का नाम वैसे चेंज हो गया है, प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। जो बोल लो, मतलब पुराने लोग तो अभी भी कहते हैं अलाहाबाद, लेकिन नए लोगों के लिए भाई प्रयागराज है ना। बाकी ये देखो भाई धूप काफी ज्यादा है, और अभी भाई पहने हुए हैं, गर्मी काफी लग रहा है, बाकी अभी कुछ देर पहले क्या हुआ कि जहाँ पर हमारा बर्थ है ना भाई, वहाँ पे एक चोर आया और सन्नी से पहले बात कर रहा है आराम से, ठीक है, और सन्नी से टाइम वाइम पूछ रहा है, सन्नी को बात से फंसा कर भी क्या किया, सबसे अपर वाले बर्थ मेरा सेट था, उसके बगल में भी एक बंदा सोया हुआ, उसका फोन खींच रहा था वो, ठीक है, सन्नी को पहले बात में वो फंसाया, उसको समझ में नहीं आया क्या करना नहीं करना है, लेकिन भाई वो बंदा क्या किया, फिर अपर बर्थ वाले का ना मोबाइल खींच रहा था। ये बंदा इनका मोबाइल ना भाई, इनका मोबाइल अभी निपटने वाला था, सही टाइम पे वो बंदा पकड़ा है, इतना झापड़ पड़ा उसको भाई, क्या ही बताए, वीडियो बनाए लेकिन यार पता नहीं वीडियो डिलीट कैसे हो गया, और डिलीट भी हुआ भाई रिसाइकल भी नहीं किया बताओ यार। बाकी मार तो भाई जबरदस्त पड़ा उसको, तो दिल्ली लेके जाने वाले थे लेकिन रोने लग गया था, तो इसलिए बोले भाई छोड़ो यार। ये दूर देखो, वहां हमारे भारत का झंडा शान से लहरा रहा भाई, ये देखो बेहतरीन लग रहा है। ओ भाई साहब क्या लोकेशन है बे, ये देखो छोटा सा नाव दिख रहा है भाई साहब, जबरदस्त भाई जबरदस्त। सन्नी डुबकी लगाना यहाँ से ना। यहाँ डुबकी लगाएंगे सीधे यमराज के पास, हाजिरी लगेगा, लगा कृपा बरस गया। तुम आ गए, इंतजार था तुम्हारा भाई। अभी पहुंचे हैं अलाहाबाद और यहाँ पर खा रहे हैं अलाहाबादी अमरूद, है ना भाई, काफी मतलब डिलीशियस है। सन्नी भी खा रहा और हम भी खा रहे हैं, हमको तो फ्री में दिए प्रमोशन करने के लिए, जबरदस्त है भाई जबरदस्त, भैया प्रमोशन करने के लिए दिया। एक नंबर है भैया, काफी मीठा है भाई। घर से निकला हुआ ऑलमोस्ट मुझे 24 घंटा होने वाला है, और अब क्या ही बताएं भाई, मतलब इतना बोर हो गया है अभी सफर में भाई, सोए सोए जा रहा है सफर में, क्या ही बताएं भाई। फिलहाल अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गाजियाबाद भाई, ट्रेन का स्पीड इतना खतरनाक है ना, मतलब क्या ही बताइए। देखो ये देखो भाई, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, ऑलमोस्ट 130 पे ट्रेन चल रहा है भाई। फाइनली भाई दिल्ली पहुंच गए, और मास्क भी लग गया, मतलब समझ जाओ दिल्ली पहुंच गए। ये रहा अपना बैग, ये रहा सन्नी, और भाई हम लोग रेडी है भाई ट्रेन से उतरने के लिए, काफी भाई 24 घंटा परेशान हो गए हम लोग। चलो भाई दिल्ली की धरती पे स्वागत है। ओपी भाई
अब जाकर भाई ढंग का चाय मिला है। ट्रेन में चाय पी पी भैया परेशान हो गए, एकदम घटिया वाला चाय मिला है। ये आ गया चाय, ये रहा सन्नी, और पीछे ये रहा और अपना नेशनल फ्लैग, और ये भाई अपना। फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और भाई कुत्ता इतना भौंक रहा है ना, क्या ही बताएं। वो रहा भाई अपना भाई। चलो भाई फाइनली पहुंच गए, मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है दिल्ली का, तो स्टे ट्यून रहना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।